ओके स्टैंडर्ड 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल 14 एग्जांपल 15 देखा था। उसमें क्या देखा था कि कोई भी रेशियो दिया है तो रेशियो का परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करके उसको पीछे परसेंटेज लगा दो, तो ऐसे कर सकते हैं आप। वैसे ही यहाँ पे क्या करना है आपको, इंक्रीज और डिक्रीज एज अ परसेंटेज। अब इंक्रीज और डिक्रीज की जब भी बात आएगी ना, तब बात आएगी कि अमाउंट में चेंज क्या होगा वो आएगा। तो अमाउंट में चेंज लाइक कोई भी आपको बेस वैल्यू दी होगी, लाइक मैं ऐसा बोलता हूँ कि लास्ट टाइम मेरे पास में मीन्स लास्ट ईयर मेरी एनुअल इनकम 3 लाख थी और इस साल मेरी एनुअल इनकम 2 लाख है। तो जो ये चेंज आया ना, अब इसमें बेस वैल्यू कौन सी होगी, 3 होगी, क्योंकि मैंने कंपेयर किससे किया, प्रीवियस ईयर। तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो ना, वो आपकी बेस वैल्यू बनेगी। और इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो वो आपका अमाउंट ऑफ चेंज आएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज की जब भी वैल्यू मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एज अ परसेंटेज की जब भी बात आएगी ना, तब आप ऊपर लिखेंगे कि जो चेंज आता है वो, और नीचे जो आपकी बेस वैल्यू है। अब आप सोचो कि अगर लास्ट ईयर 2 थी और इस साल मेरी 3 हो गई, तो ये बढ़ रही है, तो ये कंपेयर किससे किया, 2 से, तो छोटी वैल्यू। अगर कम हो रही है, लास्ट साल मेरी सैलरी 3 लाख थी और इस साल 2 है, तो मैंने कंपेयर किससे की, लास्ट 3, तो नीचे 3 आएगी। मीन्स जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो आपकी बेस वैल्यू और इंक्रीज और डिक्रीज मीन दोनों का डिफरेंस, ये है। ओके, अ स्कूल टीम वन अ 6 गेम दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम वन लास्ट ईयर। 4 गेम अगेन लास्ट ईयर, कंपेयर किससे किया, 4 गेम्स। तो ये आपकी हो गई ओरिजिनल वैल्यू या तो बेस वैल्यू। क्या हो गई ये, ओरिजिनल वैल्यू या तो बेस वैल्यू। तो चलो अब इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि जब भी, और क्या फाइंड करना है आपको, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। मैंने क्या बताया, इंक्रीज और डिक्रीज की जब भी बात आती है तो उसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ चेंज। क्या, अमाउंट ऑफ चेंज और जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो ओरिजिनल नंबर। ये ऊपर आएगा वो चेंज आएगा, नीचे ओरिजिनल नंबर जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, मल्टीप्लाई 100। ओके, इतना परसेंटेज में आंसर आएगा। अब अमाउंट ऑफ चेंज, तो देखो 6 गेम और 4 गेम, तो दोनों में अमाउंट ऑफ चेंज कितना होगा, 6 में से 4 तो 2, तो ऊपर जो आएगा अमाउंट ऑफ चेंज उसमें आएगा 2। क्या आएगा, 2। ओरिजिनल नंबर या तो बेस नंबर, तो ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या था आपका प्रीवियस ईयर का, 4, तो ये 2, नीचे ओरिजिनल नंबर तो 4 मल्टीप्लाई 100 और पीछे क्या लगा देना है, परसेंटेज। 4 से 25 टू जा, तो आ जाएगा आपका आंसर 50%। तो जो ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ना गेम विनिंग का, वो 50% होगा। कितना होगा, 50%। वैसे चलो एग्जांपल नंबर 17 सेम याद रखो इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल, अ नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन द कंट्री डिक्रीज फ्रॉम कहा से कहा, 150 लाख से का तक 100 लाख इन 10 ईयर। तो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, तो ऊपर क्या बताना है, ऊपर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, दोनों का चेंज। तो 150 और 100 का चेंज कितना होगा, 50। 150 और 100 का चेंज कितना होगा, 50। तो चेंज को ऊपर लिखो, तो चेंज कितना आता है, 50, वो ऊपर लिखा। नीचे क्या है हमारे फॉर्मूला में, नीचे क्या लिखते हैं हम, ओरिजिनल अमाउंट। नीचे क्या लिखते हैं, ओरिजिनल अमाउंट। अब देखो इसमें से 150 ओरिजिनल बनेगा कि 100 ओरिजिनल बनेगा, तो फिर से इसको हिंदी में पहले कन्वर्ट करो कि जो इलिटरेट पर्सन कंट्री में थे वो 150 से 100 लाख हो रहे हैं। मीन्स पहले कितने थे, 150, और उसमें से कम होने के बाद 100 हो रहे। तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल पहले कौन सी थी, तो 150 लाख, तो नीचे क्या आएगा, 150, तो 50, ऊपर क्या आया, 50, नीचे आ जाएगा आपका 150। फिर क्या करते हैं हम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का डिवीजन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100, और पीछे क्या लगा देंगे, परसेंटेज। तो ये है 0053 जा, तो 100
डिवाइड बाय 3%, और 100 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 33.33% भी आप लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी करते हो ना, 100 3 3 1 sorry 3 3 जा 9 10 3 3 जा अगेन 9, तो ये 1, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 33 पहले ये, उसके बाद में ये 1, और उसके बाद में 3, तो 33 1/3%। आप ऐसे भी लिखते हो ना, तो आप दो तरीके से अलग अलग लिख सकते हो, तो 33.33% ये भी आंसर सही है, और 33 1/3% ये भी आंसर सही है। तो सिंबल इंक्रीज डिक्रीज में क्या करना है, जो भी अमाउंट ऑफ चेंज आएगा वो आपको ऊपर लिखना है, जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है, जहां से इंक्रीज हो रहा है, जहां से डिक्रीज हो रहा है, वो नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई 100 से करना है, पीछे आपको परसेंटेज लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि इतने परसेंटेज ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या तो इतने परसेंटेज ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके, ऐसे आप किसी भी इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को आप परसेंटेज में आप बता सकते हो। ओके, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। ये मल्टीप्लाई 100 क्यों दिया, क्योंकि ये क्या है, ये फॉर्मूला है सिर्फ चेंज का, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल, ये सिर्फ आपका आया वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज का। लेकिन किसी भी इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू को हमको पता है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई किया और पीछे परसेंटेज लगा देना है। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है आपको व्हाट इज द परसेंटेज, लेकिन आप परसेंटेज यहाँ पे लगा के ही चलना कि 33.33% होगा। ओके, फिर से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, तो ये जो पीछे कहाँ से इंक्रीज हो रहा था, तो 4 से इंक्रीज हो रहा था, तो 4 नीचे आया, यहाँ पे डिक्रीज, लेकिन कहाँ से डिक्रीज हो रहा था, 150 नीचे आया।